नकली शेरा यजमान तेरा उमर साहब आगे बढ़ो अजान हारी उमर साहब के जान निसार चौधरी साहब के जान निसार नासिर साहब के जान निसार जिम्मेदारी जैसे चौधरी साहब ने अपनी तकरीर में कहा बदकिस्मती से 2014 में जब असेंबली के इंतखाबात यहां हुए अलग अलग नारे दिए गए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए हमारे गुमराह लोग यहां से पार गए थे ट्रेनिंग हासिल करने के लिए लेकिन बंदूक लेके वापस नहीं आना चाहते थे हमने उनके लिए रास्ता खोला नेपाल के जरिए कितने उनमें से वापस आए और मुझे आज भी ये कहते हुए फख्र महसूस होता है मैंने अपने पार्लियामानी हलके के साथ इंसाफ किया मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने एक दिन मेहनत करनी है 20 तारीख मई आपने अपने वोट का कीमती इस्तेमाल करना है उस दिन आप काम करिए उसके इमाम रमजान साहब शिमी ओबराय जी हमारे नासिर असलम वानी साहब और कैसर जमशीद लोन साहब और कांग्रेस से आए हुए जरूरी चीज पुस वो नेशनल लेवल पे कुस पार्टी गो सोन ये चीज थे जिंद और नजीर अहमद जो इनके ये डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट है और हमारे जो भाई पीछे मौजूद है कुछ बरादरी भी आई चमचे मोदी चमचे खास मोदी लिहाजा आज वो असली सी सुबह जनाब उमर अब्दुल्ला लीडरों सीनियर साथियों इशारस मज मशवर लोग कि नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट सीट कुस ग लड़ो अस तुम मशवर चौधरी सब दु मशवर बाकी से कम है मगर सरकार मोन न कह मजबूर पे आज अर वो उमर सब वातव और मे पूर उमेद कि अच्छे लूक बराबर छुट पर पे ہندوارا کانسٹیچوئنسی یم زن عمر صبس برائے اس دیوے ویلکم کرن تم چھ سار یم کیا کیا عمر ہم مازا تگیز لیڈر سے گون عام یہ سوال نو من گل مشاف سو ملاقات کی اس دوی آپ کے ووٹ لے کے وہ منسٹر بنا لیکن منسٹر بننے کے بعد اس نے آپ کے لیے کیا کیا آپ کے بچوں کے لیے کیا کیا इस आने वाले नस्ल के लिए क्या किया इनके रोजगार के लिए क्या किया यहाँ के हालात को बदलने के लिए क्या किया और अगर आप सही मायने में देखें तो कुछ खास किया नहीं दावे किए कि वजीर आजम साहब उनके बड़े भाई हैं ठीक है हो सकता है हम इस चीज से इनकार कहाँ कर रहे हैं हर किसी का हक है किसी को भी भाई तस्लीम कर ले अगर वजीर आजम साहब ने उनको छोटा भाई तस्लीम किया है और उसने वजीर आजम साहब को बड़ा भाई तस्लीम किया है तो इस छोटे भाई बड़े भाई के रिश्ते में अगर उसको खुद फायदा पहुंचा तो ठीक है आपको क्या फायदा पहुंचा कम से कम उसका फर्ज नहीं बनता था छोटे भाई होने के नाते कि यहाँ जो पकड़ दकड़ का सिलसिला चल रहा है जो पुलिस के तरफ से यहाँ के नौजवानों को बीच बीच में तंग किया जाता है क्या उसको रोक लगाने की उसकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या उसको रोकना उसका फर्ज नहीं बनता था यहाँ पे जिस तरह चौधरी साहब ने और नासिर ने अपनी तकरीरों में कहा यहाँ पे जो वेरिफिकेशन का सिलसिला चलता है पासपोर्ट में मुझे याद है उस वक्त नासिर मेरे साथ मिनिस्टर थे होम मिनिस्टर थे ये मेरे साथ हमने ये सारा ब्लैक ने उस रास्ते को बंद किया तब छोटा भाई खामोश क्यों हुआ तब छोटे भाई ने बात क्यों नहीं की जब इसी उड़ी के रस्ते से हमारी ट्रकें जाती थी
हमारा सामान जाता था, हमारा मेवा जाता था, हमारी तिजारत होती थी, हमारे लोग चंद पैसे कमाते थे। जब बड़े भाई ने ये ट्रकें रोकी, छोटा भाई खामोश हो गया। यहां तक के जब बाकी मुल्क में हमारे मुसलमान बहनों को सिर्फ हिजाब के वजह से स्कूल और कॉलेज से बाहर रखा गया, इनको तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं दी, तब छोटा भाई कहां गया था? अरे तब छोटा भाई बड़े भाई के पास जाता और कहता, बड़े भाई मेरी इन बहनों को तंग मत करो, इनको स्कूल जाने दो, इनको तालीम हासिल करने दो। तब कहां गया छोटा भाई? जब जुमा की नमाज अदा करते हुए नमाजियों को पुलिस वाले लात मारते हैं, तब कहां जाता है छोटा भाई? तब छोटे भाई को याद क्यों नहीं आता कि मेरा बड़ा भाई है, मैं अपना मोबाइल निकाल के बड़े भाई को फोन करूंगा और बड़े भाई से गुजारिश करूंगा कि नमाजियों को इस तरह तंग ना करें। जब गुजरात में अहमदाबाद में इसी साल रमजान के दौरान रोजा खोलने के बाद तरावी पढ़ते हुए यूनिवर्सिटी के बच्चों को पीट पीट के अस्पताल पहुंचाया गया, तब कहा था छोटा भाई? तब छोटे भाई ने बड़े भाई को फोन क्यों नहीं किया? तब क्यों नहीं कहा छोटे भाई ने कि बड़े भाई इन नमाजियों की क्या खता है, मत करिए? आज जब पूरे मुल्क में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जब कहा जाता है कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई ये मुसलमान आपकी जमीन खा जाएंगे, जब तकरीरों में कहा जाता है कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई हिंदुओं के जो जेवर हैं उनको मुसलमान खा जाएंगे, तब छोटा भाई खामोश क्यों होता है? अरे ना क्यों आपके जबान पे इन बीजेपी वालों ने लगाम लगाया हुआ है? क्यों ताला लगाया हुआ है छोटे भाई? क्या आपका जबान सिर्फ अपने वर्करों को गाली देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अरे ना, जो अपने वर्करों का नहीं है, जो अपने वर्करों को गाली गलौज के अलावा और कुछ नहीं देता, वो यहां के वोटरों को आपको क्या देगा? क्या देगा? क्या खिदमत करेगा वो आपकी? यही तो अफसोस की बात। अरे भूल गए, जब 2018 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त अल्ताफ बुखारी के हक में चिट्ठी दी थी गवर्नर साहब के लिए, उस वक्त सजाद लोन साहब भी खड़े हुए, कहा कि मैं भी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, उनकी चिट्ठी कहां से आई? नागपुर के बीजेपी की चिट्ठी सजाद लोन साहब ने राजभवन भेजी। उस चिट्ठी में बीजेपी ने कहा कि अगर हमारा कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा तो सजाद लोन बनेगा। क्या भूल जाए यहां के लोग? तभी तो हम कहते हैं कि आपकी तार दिल्ली से जुड़ी हुई है, आपकी तार नागपुर से जुड़ी हुई है। जो मेरे खिलाफ कलम गवात का उम्मीदवार खड़ा है, बिल्कुल सही कहा नासिर ने, भेजा उसकी तंजीम ने यहां के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करने के लिए, लेकिन उसने सीट का सौदा किया। जब ट्रिपल तलाक मामला ये राज्यसभा में आया वो गैर हाजिर रहा, जब 370 का मामला आया उसने कपड़े फाड़े और भाग गया। अरे अपना वोट दर्ज करते, बात करते, चलिए आप कुछ ना बदल पाते, लेकिन कम से कम आपकी बात रिकॉर्ड पे आ जाती। 2008 में मैंने भी तकरीर की, 4 मिनट मिले थे मुझे, शोर शराबा था, लगे हुए थे लोग वहां शोर करते हुए, लेकिन मैंने तो कम से कम खड़े होकर ये नहीं कहा कि मैं क्या बोलूं यार, उसके मैंने तकरीर की और यहां के अपने लोगों के, अपने वोटरों की, अपने कौम की मैंने जज्बातों की तर्जुमानी की। देखिए ना, कोशिश करना जरूरी है, बाकी नतीजा क्या होगा वो हमारे हाथ में है नहीं, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन कयामत के दिन जब हमें जवाब देना होगा, अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि मैंने आपको मौका दिया था, आपने इस मौके का किया क्या? कम से कम हम ये कह सकें कि हमने पूरी कोशिश की, कोशिश में हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी, ये तो कम से कम हम कह सकते हैं। इसलिए जो 20 तारीख का वोट है वो आप ये ना समझें कि वो मेरा वोट है, आप ये ना समझें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट है, आप ये ना समझें कि वो चौधरी रमजान साहब का वोट है। आप ये समझ लीजिए ना, यह शनाख्त, हमारी पहचान,
हमारा वकार, हमारा वजूद, हमारी इज्जत, सारा कुछ 5 अगस्त 2019 को इन्होंने तहस नहस किया। और उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए मेरे मुखालिफ आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बाना आप सबों से गुजारिश करने यहां आया हूं, हमें इस कौम को बचाना है, हमें आने वाले नस्ल के लिए जम्मू कश्मीर को बचाना है, हमसे जो छीना गया है उसको वापस लाने के लिए हमें अपनी जुद्दोजहद जो है वो जारी रखनी है। और इस लड़ाई में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जहां आपका पसीना होगा वहां इंशाल्लाह मेरा खून का एक एक कतरा मैं वहां सामने रखूंगा आपके। बस मौका दे दीजिए। इस मौके में, इस आजमाइश में मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। आपके साहब का एमएलए की तरह जो अब बड़े बड़े दावे कर रहा है मेरे खिलाफ मैदान में उतर के, मैं वोट लेके गायब नहीं हूंगा। आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके दरमियान ही यहां पे आपकी खिदमत करता रहूंगा। और फिर ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल का भी ऐलान हो गया है। जहां पार्लियामेंट वहां असेंबली, ये तो जो ये आने वाला इलेक्शन है ये तो तैयारी है। आपको अब अपना एमएलए चाहिए, आपको एमएलए वो चाहिए जो दिन रात आपके लिए काम करेगा, जिसने यहां पहले भी एज एमएलए, एज मिनिस्टर तरक्की का एक नया एक जाल यहां बिछाया। बहुत अरसे से हम उस तरह की नुमाइंदगी से जो है हम महरूम रह गए, हमें अलग किया गया। इंशाल्लाह 20 मई आपका एक एक वोट हल्के निशान पे, मेरे निशान पे, जनाब चौधरी साहब के निशान पे, नासिर और कैसर के निशान पे, ताकि फाइनल की लड़ाई जो है उसको लड़ने के लिए हम तैयार रहें। मैं इस उम्मीद के साथ कि मुझे एक मौका आपकी खिदमत करने का मिल जाएगा, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को आबाद।